अथर, एक साल से तो फिलहाल हम कश्मीर में बंद हैं, सी हैं, चप्पे चप्पे पे फौज है, 10-10 गज के फासले पे हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। हमारे 15 लाख बच्चे एक साल से स्कूल नहीं गए हैं। जब शेख अब्दुल्ला ने भी एक्सेशन की हिमायत की थी इंडिया के साथ, तो 370 उस वक्त मांगा गया था। ऑर्डिनरी कश्मीरी है वो, एक तरह से खुश इसलिए हो गए कि वो कह रहे हैं कि हमने तो मेन स्ट्रीम से यही कहा था कि इंडिया पे आप कभी भरोसा ना करें, और इमरान खान ने वापस इसको इंटरनेशनल फोरम में लाके आलमी मसला बनाया है। कि बीजेपी ने अपना नया जो एजेंडा है, इनका हिंदुत्व एजेंडा, उस पे काम करना शुरू किया, उस पे अमल दरामद शुरू। और जो कश्मीरी वहाँ स्टूडेंट्स थे, ताजिर थे बहुत सारे इलाकों में, उनको हरासा करने की कार्रवाइयाँ हुई, या गुलवक जो कहते थे हमारा हिंदुस्तान में एजेंडा क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, फिर मोदी आए हैं तो इस पे अब बाजाबता एक अमल दरामद हो रहा है, काम हो रहा है। माइनॉरिटी, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, या दूसरे दलित हो, या कश्मीरी हो, बहुत ही सहमे और घबराए हुए हैं। जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमें ज्वाइन किया है कश्मीरी जर्नलिस्ट और मुसन्निफ, और जो तवील अरसे तक बैन अल्कवामी नशरियाती अदारे बीबीसी के साथ भी मुंसलिक रही, नईमा महाजूर साहबा। नईमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा नईमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, लेकिन ये तो बीजेपी का एक दरीना मौकिफ था, तो क्या ये कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी लीडरशिप के लिए कोई कोई सरप्राइज था, या एक्सपेक्ट कर रहे थे कश्मीर में लोग के ऐसा होने जा रहा है? देखिए, सेपरेटिस्ट लीडरशिप जो है उनके लिए तो ये कोई सरप्राइज नहीं था, इसलिए कि वो इस आर्टिकल को न मानते हैं, न हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं। उनका एक जो अपना मौकिफ है वो है कि मुकम्मल आज़ादी, जिसमें हिंदुस्तानी आईन का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेन स्ट्रीम पार्टीज का ताल्लुक था, तो उन्होंने, जब शेख अब्दुल्ला ने भी एक्सेशन की हिमायत की थी इंडिया के साथ, तो 370 उस वक्त मांगा गया था, इसलिए कि इसमें आपका तशख्खुस, आपकी शिनाख्त, आपका परचम, आपका आईन अपना रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ी रहेंगी। तो एक वादा उस वक्त किया गया था कि अगर आप इसकी हिमायत करेंगे तो कश्मीरियों को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक खुद मुख्तारी, अंदरूनी खुद मुख्तारी मिलेगी, जो मेन स्ट्रीम के साथ शेख अब्दुल्ला के बाद फिर सारी जो सियासी जमातें हैं, उन सियासी जमातों को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ठीक है, बीजेपी का ये एक एजेंडा रहा है, आरएसएस का एजेंडा रहा है, लेकिन इस वक्त जबकि कश्मीर में सूरत हाल बहुत खराब है, अस्करी तहरीक चल रही है पिछले 3 दहाइयों से, और इस वक्त वो ऐसा करेंगे और इसको हटा के फिर यूनियन टेरिटरी में मुनकसिम करके रियासत का ही जो एक वजूद था उसको खत्म करेंगे, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज डेफिनेटली है। ठीक। अच्छा, जो आर्टिकल 370 को जब रिवोक किया गया, उसके बाद जो रिएक्शन आया, क्या वो आपकी तवक्को के मुताबिक था, या कश्मीरी लोगों की तवक्को के मुताबिक है, या फिर लोग एक तरह से, जिस तरह आपने कहा कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शॉक में चले गए, तो उतना रिएक्शन नहीं आया? देखिए, आपको इसको समझना होगा इस तरह से कि जो वहां पे आजादी का एक सेंटिमेंट है, ठीक है कि बहुत सारे लोग वोट भी डालते थे और आर्टिकल 370 को एक गारंटी के तौर पे मानते थे, लेकिन फिर भी जब मेन स्ट्रीम पार्टीज को आर्टिकल 370 को हटाने के फौरन बाद उनको फिर जेलों में रखा गया, बंद कैद कर दिया गया, और जो बड़े बड़े लीडर थे और जो चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं 3-3 बार, उनको भी बंद किया गया, तो एक तरह से जो कॉमन कॉमन जो ऑर्डिनरी कश्मीरी है वो एक तरह से खुश इसलिए हो गए कि वो कह रहे हैं कि हमने तो मेन स्ट्रीम से यही कहा था कि इंडिया पे आप कभी भरोसा ना करें, 47 से लेके आज तक। लेकिन अब देखिए, इंडिया ने बार बार ये खेल खेला है, वो चाहे 53 है, वो चाहे उसके बाद से जो हालात हुए हैं, तो इन्होंने हमेशा ये खेल खेला, तो लोगों ने एक तरह से वो जो होता है ना इमोशनल आउटबर्स्ट था कि अच्छा हुआ मेन स्ट्रीम के साथ इनको भी बंद रखा गया, ताकि इनको भी पता चले कि इंडिया के साथ भरोसा करना और हमें भरोसा करवाना कितना ये जो बेरहमाना इनका जो इकदाम है। और इसलिए आपने देखा कि उस पे कश्मीरियों का जो है इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि वो तो समझते हैं, मेजोरिटी जो है वो समझते हैं कि आजादी अलग है,
आर्टिकल 370 अलग है, मेन स्ट्रीम पार्टीज का ये एजेंडा है, उनसे छिन गया, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ठीक, अच्छा कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं या ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप का फुकदान नजर आ रहा है, जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया कि जो वो लीडरशिप जो सियासी अमल का हिस्सा थी वो वैसे ही अभी नजरबंद है या गिरफ्तार है, उसके अलावा हुर्रियत की लीडरशिप है, दीगर जो लीडरशिप है, तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है नईमा जी, कि वहां पे है लीडरशिप का इस वक्त फुकदान? देखिए अक्सर इस वक्त आप देखेंगे कि डेफिनेटली वहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है, वो इस तरह से कि सेपरेटिस्ट लीडरशिप को आपने पिछले साल से पहले ही 2-4 साल से बंद रखा है, वो चाहे जेलों में है, वो घरों में नजरबंद है या कहीं बाहर की जेलों में है, तो सेपरेटिस्ट लीडरशिप को पहले ही आपने बंद करके रखा है। फिर जो लास्ट ईयर से आपने जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जो कुछ परसेंटेज वोट भी लेते हैं, जो असेंबली में रह चुके हैं, अब जब आपने उनको भी बंद किया, उसके बाद से कोई लीडर ही नहीं है। भाई बराई नाम ही सही, मेन स्ट्रीम लीडरशिप तो है, जब उनको भी बंद किया तो लोगों के पास न तो इस कैंप से कोई था न तो उस कैंप से, इसलिए हमने देखा कि इस वक्त अब लोग जो है वो जो मेन स्ट्रीम है उनको इतना ज्यादा डिसक्रेडिट किया गया है इसके बाद से, और उनकी तजलील भी हो गई अपने वोटरों में, बल्कि उनके वोटर अब उनसे कह रहे हैं कि जब आपको जेलों में बंद रखा गया तो हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। तो इस वक्त क्रिएट करने की कोशिश की लीडरशिप का वैक्यूम हो जाए, ताकि कोई तीसरी कुव्वत जो है कहीं से और लाएं और उनको उभार के ना फिर उनको लीडर बनाया जाए और उनको मुसल्लत किया जाए। तो मेन जो लीडरशिप है वो कहीं नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से एक दरीना मौकिफ रहा है, कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत हो वो कश्मीर के हवाले से बात करती है, लेकिन हालिया अरसे में हमने देखा है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई कि उन्होंने कश्मीर के मामले के ऊपर सऊदी अरब के साथ भी एक तरह से अपने ताल्लुकात खराब कर लिए, एक बड़ा सख्त बयान दिया सऊदी अरब के हवाले से कि आप कश्मीर के मामले पे कोई मौकिफ इख्तियार करें। तो आप एक अरसा दराज से कश्मीर के इशू को कवर कर रही हैं, देख रही हैं, बहसियत जर्नलिस्ट, बहसियत मुसन्निफ, आप मौजूदा जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके किरदार को जो माजी करीब की हुकूमतें हैं पाकिस्तान की उनसे थोड़ा मुख्तलिफ देखती हैं या नहीं, ये भी वही रूटीन की बातें कर रही? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले साल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए कि इमरान खान ने जो लाइन ले ली है, एक तो वो समझते हैं कि कश्मीर की मूवमेंट अगर है और एक जायज तहरीक है, लेजिटिमेट मूवमेंट है, इसको पुरअमन तरीके से चलाना चाहिए, इसमें बंदूक का इस्तेमाल अगर ना हो तो बेहतर है। दूसरा ये कि उन्होंने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आके और उनको मोबिलाइज करने की कोशिश की, वो चाहे 3 ही मुल्क 4 ही मुल्क आपके साथ है, लेकिन एक तरह से एक बहुत ही इंटेंसिव तरह की एक एक्सरसाइज उन्होंने शुरू की, जो मुझे लगता है कि पिछले 10-15 बरसों में उसको किसी हुकूमत ने इस तरह से नहीं किया था, बल्कि हमने देखा नवाज शरीफ का दौर भी या बेनजीर भुट्टो का दौर भी या मुशर्रफ ने खुद आके दिल्ली में आगरा में आके समिट करना चाहा, तो ये सारी जो आप समझते थे कि हम ये बाहमी तनाजा है शिमला समझौते के तहत इसको तय करना होगा, तो उसमें मुझे लगता है कि वो शिमला समझौते से अब बाहर आ गया है और इमरान खान ने वापस इसको इंटरनेशनल फोरम में लाके आलमी मसला बनाया है। तो ये ट्रेंड जो है अब जोर पकड़ती जा रही है और जो बाहमी जो मुहिदे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो भी अब मुझे लगता है खतरे में पड़ गए हैं। अच्छा, इस वक्त भारत के अंदर जो हुकूमत है उसको कहा जा रहा है कि वो राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट हुकूमत है, जिसकी वजह से अकलीतों के लिए वहां मुश्किलात पैदा हुई हैं। इसी तरह जो कश्मीरी नौजवान लड़के लड़कियां हैं या जो कश्मीरी लोग भारत की मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी उनको भी उनकी जानिब से भी ऐसी बातें सामने आती रहती हैं कि उनको हर वक्त फिक्र रहती है या खतरा रहता है और उनके लिए भी मुश्किलात हैं। लेकिन भारत के अंदर तो बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, वाजपेयी साहब भी तो यहीं पे वजीर आजम थे, अब कौन सी ऐसी चीज मुख्तलिफ हो गई कि कश्मीरियों को लगता है कि भारत के अंदर उनके लिए ज्यादा मुश्किलात हैं? देखिए आरएसएस की जो हामी बीजेपी की तंजीम है, क्योंकि इसमें जो बीजेपी में जो बहुत सारे लीडर हैं वो आरएसएस के जो हैं कारकुन रहे हैं और अब भी हैं, जो वाजपेयी भी थे वो भी आरएसएस के एक सरकर्दा कारकुन थे, लेकिन वो चेंज हो गए थे जब उन्होंने हुकूमत संभाली, उसके बाद फौरन जब पहला उनका बयान था कश्मीर के बारे में
उन्होंने कहा था कि नहीं, कश्मीर का मसला है, इसको हमें पाकिस्तान से मिलके हल करना चाहिए। उसके बाद ही आप देखेंगे कि लाहौर बस लेके गए और पाकिस्तान से बहुत सारी जो है बातें शुरू हो गई, कश्मीर आ गए, कश्मीर में एक जलसा, बहुत बड़ा जलसा करके उनसे कहा कि स्काई इज द लिमिट, हम कश्मीरियों के जो भी इनके ख्वाहिशात, जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करेंगे किसी हद तक। लेकिन उसके बाद से लोग समझ रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो भी एक कॉपी कैट है वाजपेयी की, लेकिन ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनके एक दो साल के बाद ही जो राम मंदिर का जो मसला था, पहले वो बंद हो गया था लेकिन फिर उसको उजागर करने की कोशिश की, आर्टिकल 370 को उजागर करने की कोशिश की, इसलिए कि ये बीजेपी का एजेंडा था। तो इन्होंने फिर समझा कि बीजेपी ने अपना नया जो एजेंडा है इनका, हिंदुत्व एजेंडा, उस पे काम करना शुरू किया, उस पे अमल दरामद शुरू हो गई। और उसको देखते हुए आप देखेंगे फिर हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे उन पे हमले हुए, लिंचिंग के वो बहुत सारे वाकयात हुए, और जो कश्मीरी वहाँ स्टूडेंट्स थे, ताजिर थे बहुत सारे इलाकों में, उनको हरासा करने की कार्रवाइयाँ हुई, वो बहुत सारे भाग के वापस आए। तो फिर पता चला कि ये जो इस वक्त की हुकूमत है ये वही है जो 1944 में सवारकर ने कहा था कि हमारा एजेंडा क्या है, या गोलवकर जो कहते थे हमारा हिंदुस्तान में एजेंडा क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप आज देखेंगे पिछले दो चार सालों से जब से मोदी आए हैं तो इस पे अब बाजाबता एक अमल दरामद हो रहा है, काम हो रहा है, और इस वजह से सारे जो है माइनॉरिटीज, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, या दूसरे दलित हो, या कश्मीरी हो, बहुत ही सहमे और घबराए हुए हैं। अच्छा, आम ख्याल क्या है, जो मोदी साहब की अपनी शख्सियत है वो खुद भी कोई इंतहा पसंदाना सोच के ज्यादा प्रचार करते हैं, ज्यादा उसकी तरफ उनकी टिल्ट है का, या फिर ये ओवरऑल जो बीजेपी की एस्टेब्लिशमेंट है ये उसका फैसला है कि नहीं अब हमने चीजों को ज्यादा इस तरफ लेके जाना है? देखिए अक्सर इसको आपको देखना होगा कि अगर बीजेपी की टिल्ट है या बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन के प्राइम मिनिस्टर है, वो सिर्फ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो वहां पे ये तासुर मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनके नहीं है, इसलिए कि आते ही उन्होंने ट्रिपल तलाक का मसला, मुसलमानों, ये राम मंदिर का मसला, आर्टिकल 370 का मसला। तो अगर बीजेपी का एजेंडा है वो ये कह सकते हैं कि अब जैसा कि उन्होंने पहले जब आए इंतखाबी जो उनका नारा भी था कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो सब ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में अब डेवलपमेंट का एक नया सूरज उभरेगा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके मुकाबल में वहां पे हिंदू एजेंडा जो था वो शुरू हो गया। तो उससे वो लगता है कि मोदी और उनकी पार्टी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना हम समझ रहे थे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आर्टिकल 370 जो है, मोदी ये कहते रहे हैं कि ये कश्मीर की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है, जब ये खत्म होगा तो कश्मीर में तरक्की होगी और कश्मीरी नेचुरली भारत को पसंद करना शुरू कर देंगे। अब ये जो मोदी का सारा प्लान है, आप क्या समझती हैं कि ये प्लान कामयाब होगा? क्या मोदी के जो पॉलिसीज हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं? देखिए अथर, एक साल से तो फिलहाल हम कश्मीर में बंद हैं, कर्फ्यू में हैं, रेस्ट्रिक्शन इतनी सारी हैं, चप्पे चप्पे पे फौज है, 10-10 गज के फासले पे हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है सबको, रातों को रेड्स होते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं। तो एक साल में आप देखेंगे कि इतनी सारी बंदिशों और पाबंदियों के बावजूद वहां पे जो हालात हैं वो बहुत बिगड़े हैं, संवरे नहीं है। उनको जो कहा गया था कि हम संवारेंगे कश्मीर को, दूध की नदियां बहाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और डेवलपमेंट का जहां तक ताल्लुक है, 40,000 बिलियन हमारा नुकसान हो गया है बिजनेस का, हमारे 15 लाख बच्चे एक साल से स्कूल नहीं गए हैं, हमारे 5 लाख जॉब्स गई हैं। तो इसको अगर आप डेवलपमेंट कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप और जो हमारे पास पहले ही था वो तो आपने छीन लिया, अब आप नया क्या हमें देंगे? पहले तो आपने हमारे पास जो था उसको आप मजबूत करते, लेकिन आपने तो वही छीन लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लॉजिक जो है डेवलपमेंट वाला,
ये कश्मीरियों ने हजम किया है या इसको एक्सेप्ट किया है, इसके बजाय हम देख रहे हैं ये एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट है पूरी कौम को कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है उनको दबाने के लिए, और ये सारे हरबे मुझे लगता है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये मोदी कहाँ तक कामयाब होंगे या हिंदुत्व एजेंडा उनका कहाँ तक कामयाब होगा, इसका वक्त ही फैसला करेगा। नहीं मैम, हजूर साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया।